Hi everyone, good morning. So I'm a morning person and I love waking up early, but to be honest, मैं जब से मुंबई शिफ्ट हुई हूँ मॉर्निंग में मेरे लिए जल्दी उठना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ वर्क टाइमिंग्स एंड सम डेज आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप अर्ली. तो ऐसे में मैं खुद को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मॉर्निंग में होती हूँ. सो अपार्ट फ्रॉम सच डेज आई ट्राई टू स्टिक टू माई मॉर्निंग रूटीन एज मच एज आई कैन. सो या हियर इज माई 6:30 AM इश रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन. तो अब आप सोच रहे होंगे 5 AM रूटीन सुनाए, 6 AM रूटीन सुनाए, ये 6:30 AM रूटीन क्या है? एक्चुअली मेरा रूम ईस्ट फेसिंग है तो सनराइज़ के साथ पूरी रेज मेरे रूम को ब्राइटन अप कर देती है, तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है. एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा भी है, इस बहाने मैं जल्दी उठती भी हूँ. सो फर्स्ट थिंग आफ्टर वेकिंग अप इज आई गो टू द बाथरूम, ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस. तो जैसे कि आजकल गर्मियां हैं एंड मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से रात भर एसी यूज़ करना पड़ता है, विंडोज सभी बंद करनी पड़ती हैं. तो सुबह उठने के साथ मैं विंडोज़ सारी ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल एयर ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे मुझे ज़्यादा ठंडक फील होती है एज़ कम्पेरेटिवली एसी एंड फ़ैन. एंड अगर आप पहाड़ी है तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं कि फ़ैन और एसी की हवा कैसे स्किन पर अजीब तरह से बजती है. आई लाइक माई सराउंडिंग्स टू बी क्लीन. तो शुरुआत में सबसे पहले अपने बेड से करती हूँ एंड फिर गर्म पानी पीती हूँ. सुबह गर्म पानी पीने के काफ़ी सारे फायदे हैं. इट क्लियर्स द इंटेस्टाइन, प्रिवेंट्स ब्लोटिंग, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मॉर्निंग हाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. आज मौसम थोड़ा क्लाउडी था, इसी वजह से काफ़ी टाइम बाद मुझे सोसाइटी के टेरेस पे जाके मेडिटेशन करने को मिला, वरना यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है. पहले तो मैं घर पे योगा भी करती थी, बट जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है घर पे योगा करना कम हो गया है क्योंकि जिम में ही ऑल्टरनेट डेज पे योगा क्लासेस होती हैं, तो मैं वहीं पर जाके योगा कर लेती हूँ. बहुत ब्यूटीफुल योगा का ये गाइडेड मेडिटेशन है. मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करती आ रही हूँ एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन माय मेंटल एंड फिजिकल सेल्फ. योगा हेल्प करता है टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कामनेस में आपके माइंड को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है. एंड अगर आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद गाइडेड मेडिटेशन वेयर द गुरु इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर विल हेल्प यू अनलॉक योर इनर एंड आउटर सेल्फ. एंड ये गाइडेड मेडिटेशंस आपको YouTube पे मिल जाएगी. और ये देखो, आज तो सूर्यदेव भी चाहते थे मैं आराम से मेडिटेट करूं, इसीलिए खत्म होने के बाद ही दर्शन दिए. मुझे सुबह उठते ही भूख लग जाती है. जब मैं घर पे होती हूँ तो मम्मा सुबह सुबह परांठे रोटी सब्जी बना के खिला दिया करते हैं, पर अभी मैं यहाँ हूँ और यहाँ पे ये सब आराम की ज़िंदगी तो नहीं मिलने वाली है, तो इसीलिए इजीली अवेलेबल फ्रूट्स हैं एंड फ्रूट्स आर अ गुड ऑप्शन फॉर प्री वर्कआउट मील. बनाना एंड डेट्स आर रिच इन कार्ब्स एंड दे एक्ट एज अ फ्यूल, दे हैव पोटेशियम, दे आर ईजी टू डाइजेस्ट एंड 30 to 40 minutes बिफोर गोइंग टू दी जिम मैं इन्हें खा लेती हूँ. Now is the time to pick my gym fit outfit of the day. और अब मैं लूँगी हॉट वाटर शावर क्योंकि हूँ तो मैं पहाड़ी, बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो नहाना गर्म पानी से ही है. और मॉर्निंग में मैं कोई फेस वॉश और बॉडी वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी मेरा स्किन केयर होता है वो मेरा जिम के बाद ही होता है. मॉर्निंग में मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे और सन डैमेज से प्रोटेक्टेड रहे. तो ये मेरा जिम बैग रेडी है और अब तो धूप भी काफ़ी है, ये जिपर धूप से बचाने का काम करेगा. चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे जिम में. उप्स, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना तो भूल गई. जब तक जिम से आऊंगी तब तक धुल जाएंगे. मुझे कार्डियो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जस्ट टू वार्म अप मैं 5-10 minutes ट्रेडमिल पे वॉक करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट माई वर्कआउट.
आज बैक एंड बाइसेप्स डे हैं तो मैं स्टार्ट करूंगी पुलअप्स से। मुझे हमेशा से पुलअप्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते थे एंड पहले वाले जिम में ये असिस्टेड पुलअप मशीन भी नहीं थी, बट इन दिस जिम विद दिस मशीन इट हैज़ बिकम। हर एक्सरसाइज का 3 सेट करती हूँ विद 12 टू 15 रेप्स इन ईच सेट। मैं जिम हफ्ते में 5 बार जाती हूँ एंड आई प्रेफर अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट ओवर इवनिंग और नाइट वर्कआउट, क्योंकि शाम तक ना आई फील लाइक आई डोंट हैव इनफ एनर्जी एंड मूड टू गो टू द जिम। मुझे वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है, आई फील गुड, आई एन्जॉय लिफ्टिंग वेट्स, बट बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स भी मैं नहीं उठाती हूँ। एज माई स्ट्रेंथ बिल्ड्स अप उस अकॉर्डिंग ही मैं वेट्स भी बढ़ाती हूँ। My workout lasts for 60 to 70 minutes and workout के last में stretching करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Muscles जो tight रहती है workout के time पे, they are more prone to injury, तो stretching reduce करता है pain को and injury होने से बचाता है and also flexibility को भी boost करता है। घर आके सबसे पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ, जो भी जर्म्स और डर्ट मशीन पे ट्रैवल करते हुए हाथों पे लगते हैं उसे क्लीन करना ज़रूरी है। एंड नॉट जस्ट जिम, आई हैव अ हैबिट, मैं कहीं से भी आऊँ मैं सबसे पहले हैंड वॉश करूँ। एंड नाउ इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। ओट्स एंड म्यूसली को गर्म पानी में मैंने सोक कर दिया है एंड तब तक आई विल टेक अ शावर, हॉट वाटर शावर ऑब्वियसली। हेयर वॉश मैं रोज़ नहीं करती हूँ। फेस वॉश में शावर के बाद करती हूँ, आज सोचा स्क्रब कर लूँ। दिस स्क्रब इज़ फ्रॉम ब्लॉसम कोचर और मुझे ये फेस पे बहुत ही जेंटल लगता है एंड इट्स माय पर्सनल फेवरेट। फेस को मैं पैड ड्राई करूँगी एंड नाउ माय ऑल टाइम फेवरेट होममेड फेस मास्क, मुल्तानी मिट्टी वाला। मेरे स्किन पे ये सूट करता है इसलिए मैं इसे रोज़ लगाती हूँ। आप अपने स्किन टाइप और यूसेज के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब तक फेस पैक ड्राई होता है मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ, उन्हें अपने साइड टेबल से हटाकर विंडो पे रख देती हूँ ताकि उन्हें प्रॉपर एडुकेट लाइट मिलती रहे। एंड प्लांट्स रिक्वायर लाइट इन ऑर्डर टू ग्रो, ब्लूम एंड प्रोड्यूस सीड्स। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन मेरा काफ़ी सिंपल रहता है, आई गेस हम सभी का ये रूटीन सिमिलर ही होगा, दैट इज़ क्लेंजिंग टोनिंग सीरम मॉइस्चराइजिंग एंड SPF एंड इसके बाद आई एम गुड टू गो। फेस के साथ साथ अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज करना काफ़ी ज़रूरी है, फिर चाहे समर्स हो या विंटर्स। वर्कआउट के बाद एक अच्छा प्रोटीन कार्ब एंड फैट रिच डाइट लेना काफ़ी ज़रूरी है। प्रोटीन मसल को रिपेयर और बिल्ड करता है, कार्ब्स हेल्प करता है रिकवरी में। ओट्स में काफ़ी सारे कार्ब्स और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिंस होते हैं एंड इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर योर ब्रेकफास्ट। सिमिलरली एग्स में काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं, विटामिंस होता है एंड इट्स अ सोर्स ऑफ गुड फैट। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ओट्स, म्यूसली, मिल्क, एप्पल, नट्स, सीड्स लाइक पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया है क्योंकि डेट्स, एप्पल, किशमिश में ऑलरेडी एक स्वीटनेस होती है। After my breakfast, I schedule my rest of the day. Auditions and meetings को lined up करती हूँ and now is the time to check your comments. क्या आपने देखा? बताओ बताओ. So we are a family of 12K plus subscribers. Thank you मेरी YouTube family का part बनने के लिए. मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा value करती हूँ।
आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव टू माय वीडियोस. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में. मैं ट्राई करूँगी इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का. एंड आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो. मेरे मॉर्निंग रूटीन से कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐड ऑन हुआ हो. आप भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मॉर्निंग में क्या करना पसंद करते हैं, ताकि मैं भी उससे इंस्पायर हो और मैं भी अपने मॉर्निंग रूटीन में कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकूँ. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट today's video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. And till then, take care. Bye.